हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं एसआर का टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें यूएफओ क्लीनर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, दोस्तों इस वीडियो में एप्लीकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। वीडियो कभी भी अच्छा लग जाए तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये एक ऐप क्लीनर है जिसके अंदर यहाँ पे आप एंड्रॉइड फोन्स को यहाँ पे इजीली तरीके से क्लीन कर सकते हो। एंड्रॉइड यूजर ऑप्शन बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। तो गाइस, इसके अंदर आप एंड्रॉइड के मोबाइल्स को इजीली तरीके से क्लीन कर सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पे आप जंक फॉर्म क्लीन वगैरह कर सकते हो, इसके अंदर एप्लीकेशन क्लीन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, ऐप मैनेजमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर ऐप मैनेजमेंट को आप इजीली तरीके से मैनेजमेंट करके आप यहाँ पे इजीली तरीके से क्लीन अप कर सकते हो। गाइस, चलिए करते हैं मैं एप्लीकेशन को ओपन, आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइट किस प्रकार से आएगा। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया है यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे आप अगर यहाँ से क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लीन कर सकते हो, यहाँ पे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे डाटा फाउंड वगैरह दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे टूल्स आएंगे, जिसके अंदर डाटा क्लीन, फोन क्लीन, यहाँ पे बूस्टर एंड इसके अंदर बैटरी सेवर, सीपीयू कूलिंग, एप्लीकेशन मैनेजर एंड इसके अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे गाइस, जिसके अंदर आप इजीली तरीके से हर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले डाटा क्लीन का ऑप्शन पे टच करता हूँ। यहाँ पे मैं परमिशन देता हूँ अलाउ कर दूंगा यहाँ पे डिस्प्ले के लिए, यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट के लिए, यहाँ पे इस प्रकार से फाइल मैनेजमेंट के लिए। और फाइल मैनेजमेंट के लिए देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कितने जीपी का आया है, यहाँ पे इस प्रकार से ओके आया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली क्लीन अप कर देता हूँ। क्लीन अप करने के बाद इस प्रकार से पूरा की पूरा यहाँ पे मैं क्लीन अप दे चुका हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से डाटा क्लीन अप का ऑप्शन को इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्लीन अप दे चुका हूँ। यहाँ पे आप इस प्रकार से डाटा क्लीनर और देख चुका हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं सक्सेसफुली क्लीन अप होके आ चुका। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको एप्लीकेशन को भी यूज करना है। एप्लीकेशन जो कि एप्लीकेशन मैनेजर दिखाई देगा। आप अगर आपके मोबाइल के अंदर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं हो पाता है तो इसकी मदद से आप इजीली तरीके से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे फोन बूस्टर के ऑप्शन पर टच करूंगा, बूस्टिंग ऑन हो जाएगा। यहाँ पे बूस्टिंग ऑन होने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे बूस्टिंग ऑन हो जाएगा, जो कि ये बूस्टिंग जंक क्लीनर के लिए काम करता है। जंक क्लीनर का यहाँ पे इस प्रकार से सक्सेसफुली होकर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे मैं बैक ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको बैटरी सेवर का ऑप्शन अवेलेबल पता है, सीपीयू कूलिंग ऑन इसके अंदर आपको पता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट पता है। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को आप इजीली तरीके से यूज कर सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं एप्लीकेशन मैनेजमेंट के बारे में। एप्लीकेशन मैनेजमेंट देख सकते हैं कि मैनेजिंग यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो गया। पूरे की पूरे जितने भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन अवेलेबल्स है वो पूरे की पूरे यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देंगे और आपके अंदर आप उसको यहाँ से मैनेजमेंट कर सकते हो। उसके बारे में अगर उसको आपको अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप इजीली तरीके से उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। आप इसमें से डाटा क्लीन करना है तो डाटा भी क्लीन कर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से गाइस। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइट गाइस, जिसके अंदर आप इजीली तरीके से हर चीज को इसके अंदर यूज कर सकते हो, यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।